हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यल किचन। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से टमाटर से आप अपने हाथ पैरों का बिल्कुल मैनीक्योर पेडीक्योर कैसे कर सकते हो वो बताऊंगी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका होगा, बहुत ही ईजी तरीका होगा। आप अपने हाथ पैरों का जितना भी कालापन होगा, गंदगी होगी ना, वो हटा सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप इसको लगाते ही एकदम गोरे हो जाओगे, बट जितनी भी गंदगी और आप में जितनी भी डेड स्किन है ना, वो रिमूव हो जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको लगेगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ। टमाटर क्या होता है ना, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, साथ साथ में वजन भी कम करता है अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करते हो तो। और ये बहुत ही आसान तरीके से आपके हाथ पैरों की गंदगी भी निकालता है। तो मैंने नॉर्मल टमाटर ले लिए हैं, जो आप सब्जियों में डालते हो ना नॉर्मल बनाने वाले, वो टमाटर ले लिए। तो इस टाइम आपको इस तरीके से ले लेना है। अगर आप पका हुआ टमाटर लोगे ना तो वो और भी अच्छा होगा। तो अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला, मेरे पास इसी तरीके से टमाटर थे खरीद के, मैं इसी तरीके से लेके आई थी। ये क्या होता है ना कि जो आप थोड़े से हरे टमाटर लेके आते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और जो ज़्यादा पके हुए टमाटर लेके आते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए ना मेरे फ्रिज में तो अभी इसी तरीके से पड़े थे। बट आप अगर हाथ पैरों के लिए, फेशियल के लिए, फेस के लिए बना रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा लाल टमाटर लोगे ना वही बहुत अच्छी बात होगी। बट मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं आपको यही दिखाया। तो इस तरीके से आपको टमाटर ले लेना, बिल्कुल चिल्ड टमाटर होना चाहिए। और ये समर हैक भी है अभी, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमारे शरीर में जितना भी रूखापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, पसीने आते हैं। ये बिल्कुल अगर आप इसको लगाओगे ना तो बहुत ही कम स्वेट भी होगा आपके। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश रखेगा, ताजगी देगा ये स्किन को। तो अब ना ये जो मैं ऊपर वाला रेड पार्ट है ना, उसी को यूज़ करूँगी। और वैसे सब्जी, आप जब भी सब्जी बनाने के लिए सब्जी खरीद, मतलब जब भी आप सब्जी बनाने के लिए सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो थोड़ा आप हरा टमाटर ही लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये खट्टे ज़्यादा होते हैं और साथ साथ में ये ना हमारे सड़ते नहीं है जल्दी से, इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हो, मम्मी ने इसी तरीके से लेके आए थे हरे वाले टमाटर। तो मैं जो रेड वाला पार्ट है ना उसका यूज़ करूँगी हमारे फेशियल के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना वो लिए हैं। तो चीनी के क्रिस्टल मैंने अभी, ये कोई इसमें मैंने कोई और कुछ भी नहीं लिया, जो चाय में डालते हो ना आप नॉर्मली चीनी, वही वाली चीनी ली। आपको लगे कि मैंने कुछ और बहुत बड़ी चीज़ डाल ली है, वो कुछ भी नहीं लिया है मैंने। आप चाहो तो, अगर आपके पास बूरा है तो, बूरा क्या होता है कि हम राजस्थानी हैं तो राजस्थानी जो भी होंगे उनको तो पता होगा कि जो बूरा होती है ना वो बिल्कुल तगार जैसा होती है, और ये चीनी से ही बनाई जाती है। बट बूरा थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती है। और जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो, मैं आपको बता देती हूँ बूरा का मतलब क्या होता है। चीनी को पीस कर ही बनाई जाती है, बट उसके थोड़े से क्रिस्टल मोटे रहते हैं और चीनी बिल्कुल बारीक पिसी हुई रहती है। तो आपके पास अगर वो है ना तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने पिछला वीडियो डाला था तो उसमें बहुत ही लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी सभी लोगों की, कि एक बार आप ये बूरा बनाना बताइएगा। तो बूरे की जगह आप चीनी भी ले सकते हो। वैसे मैंने बूरे की वीडियो डाल रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। बट इस तरीके से चीनी डालोगे वही काम करेगी चीनी भी। तो इस तरीके से अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको पता है टैनिंग रिमूव करने में मदद करती है, साथ साथ में हमारे स्किन में ड्राइनेस को हटाती है, डलनेस को हटाती है, और बहुत ही आसान तरीके से स्किन को फ्रेश रखती है, ताजगी देती है स्किन को। तो ये आप चेहरे पे भी लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथों पर लगाओगे, हाथ पैरों पर, तो और भी अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी स्किन आप देख सकते हो फेयर है। तो मैं आपको हाथों, तो मैं इस तरीके से ना, इस तरीके से फेयर स्किन में लगा रही हूँ। आप सोच रहे हो मेरे पास फेयर, मतलब मैं काले हाथों पर क्यों नहीं लगा रही, तो यहाँ पर अभी तो कोई अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने इस हाथों पर लगाया। बट अगर आपके हाथ सांवले हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से गंदगी हटाएगी। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप इसको लगाओगे तो एकदम से गोरे हो जाओगे, क्योंकि ऐसी कोई क्रीम भी नहीं बनी और कोई ऐसा पेस्ट भी नहीं बना, रेमेडी भी नहीं बनी जो आपको एक बार में लगाते हुए गोरे कर देगी। बट ये आपकी टैनिंग रिमूव करेगी। जैसे भी स्किन टोन है, स्किन टोन सभी का बहुत ही अच्छा होता है, भगवान ने हमारे को बहुत ही अच्छा स्किन टोन दिया है, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। बट अगर आपको उसको बहुत ही अच्छा फेयर करना है, ग्लासी लुक देना है, तो वो आप कर सकते हो इन टमाटरों से। तो ये देख सकते हो मैंने टमाटर ने अच्छी तरीके से मसाज कर लिया, चीनी कॉफ़ी और टमाटर की इस तरीके से आप मसाज करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी गंदगी निकाल देगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो आपके घर में आसान तरीके से मिल जाएँ। कॉफ़ी अगर आपके पास नहीं है तो एक बार तो आप इसको बेसन यूज़ कर सकते हो कॉफ़ी के बदले, बट अगली बार आप ट्राई करो ना तो कॉफ़ी डालेगा, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से गंदगी निकालने में बहुत ही अच्छा काम करती है। और कॉफ़ी में इस तरीके से आप यूज़ करोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी ना जितनी भी डलनेस है ना वो रिमूव करेगी, साथ साथ स्किन में डेड सेल्स है ना वो भी रिमूव कर देगी, डार्क स्पॉट रिमूव करेगी अगर आप चेहरे पर इसको लगाओगे तो, डार्क सर्कल भी रिमूव कर देगी। तो कॉफ़ी तो आपको वैसे भी लगानी चाहिए, डार्क सर्कल रिमूव करने में बहुत ही अच्छा काम करती है कॉफ़ी। और थोड़ी सी विटामिन ई की कैप्सूल आप लगा सकते हो अपने आइस के नीचे, उसका पेस्ट बना के आइस के नीचे लगाने का मैंने बोल दिया। तो ये नहीं कि आपको आइस में भी लगा लेना, आइस से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नीचे लगाना, क्योंकि आइस हमारी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। तो उससे तो आपको हर रेमेडी जो भी आप बना रहे हो ना वो थोड़ी दूर ही लगानी चाहिए, ताकि कोई रिएक्शन एलर्जी एलर्जी नहीं कर दे। और जिसको भी कुछ भी एलर्जी है ना इन सामान से, वो स्किप कर सकता है और मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकता है, आपको कुछ भी और भी प्रॉब्लम है। थोड़ी मेरी बोलने की स्पीड तेज़, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।
तो इस तरीके से मसाज अच्छी तरीके से कर लेनी है, मसाज का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग बना लेते हैं रेमेडी, ट्राई भी कर लेते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग मसाज करते ही नहीं हो ना। इसी तरीके से आपको एक बार आप मसाज करोगे तो आसान तरीके से गंदगी निकल जाएगी, तो इस तरीके से आपको मसाज भी करते रहनी है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से मैंने मसाज की थी। क्या क्या होगा ना कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए वीडियो को स्पीड दे रखी है। बट हाथ पैरों में इस तरीके से आपको मसाज कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं, आप देख सकते हो, ये कलर देख सकते हो और ये कलर टोन देख सकते हो। नेचुरली आपको इतना अच्छा ग्लो देगा, इतना अच्छा फ़र्क दिखाएगा ना कि आप इसको बार बार ट्राई करोगे। और जब तक आपको मसाज करनी है, जब तक चीनी पिघल के बिल्कुल पानी के फॉर्म में नहीं हो जाए ना कन्वर्ट, तब तक आपको मसाज अच्छे तरीके से करते रहनी है। तो मैंने अच्छे तरीके से मसाज तो कर लिया, तो इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए हाथों को इस तरीके से। पैरों में भी इसी तरीके से करना है, चेहरे में भी इसी तरीके से आपको करना है। तो इसको आप रखेंगे 10 मिनट के लिए और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। गर्मियाँ चल रही है तो ठंडा पानी आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से ना आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, साथ साथ में स्किन को ताजगी देता है। और गर्मियाँ चल रही है तो मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है। अगर गर्म पानी पियोगे तो फैट लॉस होगा, अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो नॉर्मली हाइड्रेट रखेगा बॉडी को। आप गर्म पानी पियोगे तो ज़्यादा फायदा रहेंगे और ठंडे पानी भी आप पी सकते हो। तो ये स्किन कलर देख सकते हो और ये देख सकते हो 10 मिनट के बाद कितना ज़्यादा अच्छा फ़र्क दिख रहा है। मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको गोरी स्किन पे दिखा रही हूँ, फेयर स्किन पे दिखा रही हूँ तो ये फ़र्क पड़ेगा। ये आप कोई भी स्किन टोन पे लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से चमक दिखाएगा आप। और इसको रेगुलर ट्राई करोगे तो डार्क स्किन को लाइट स्किन कन्वर्ट करेगा, और जिसकी लाइट स्किन है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से फेयर स्किन करेगा। तो मैं आपको इतना तो दावा दिलवाती हूँ, ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको आपको ना हफ्ते में 2 बार ट्राई करना है, 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। गर्मियों में आपकी स्किन को भी बहुत ही ताजगी रखेगी, ताजगी देगी। और साथ साथ में अब आपको इसको लगाने के बाद ना, हाथों को धुलने के बाद आपको ग्लिसरीन लगा लेनी है, या नॉर्मल हाथों को आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।